हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे पीयूष दांडे व्लॉग्स। तो आज मैं मेरे गांव जाने वाला हूँ। मेरा गांव बस यहाँ से मतलब अकोला से 45 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो हमारे गांव का जो घर था बहुत पुराना हो गया था, मतलब आप उसे पुश्तैनी नहीं घर भी कह सकते हैं। तो उसकी एक साइड की दीवार जो है ढह गई थी और कई जगह से क्रैक्स वगैरह आ गए थे। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि गाँव में नया घर बनाएंगे। तो काम तो चालू हो गया है, बस आज वही देखने जा रहे हैं काम कहाँ तक। तो आज हम हमारी बुलेट नहीं लेके जाएंगे, आज हम हमारी कार लेके जाएंगे, ये वैगन आर है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पास वैगन आर नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिए आप मिडिल क्लास नहीं है। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये जो कार है ये 7-8 साल पुरानी है, लेकिन बाहर से अंदर से देखने में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसको 7-8 साल हो गए होंगे। ऐसा लगता है 6-8 महीने हो गए होंगे, क्योंकि इसका जो पूरा मेंटेनेंस और छोटी भी कोई भी चीज़ रहे सब इसका पापा देखते हैं। इसका ही नहीं, घर की सभी गाड़ियों का पापा देखते हैं। तो इसे बाहर निकालते हैं और थोड़ा साफ वगैरह करते हैं। गाड़ी साफ करने के बाद पूरा पसीना पसीना हो गया, पहले हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं। 3, 2, 1। सो हे गाइस, ऑल सेट। सबसे पहले पहन लेते हैं मास्क। मैं भूल ही गया था कि बाहर अनलॉक चालू है, तो पानी वगैरह मिलेगा या रास्ते में नहीं वहाँ जाकर भी पता नहीं। तो अभी हवा चेक करने के लिए रुके हैं, ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड रिकॉर्डिंग चालू है। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं। रास्ता थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब हो गया है ये बारिश की वजह से। ये हमारा घर है, मतलब था, तोड़ दिया पूरा। ये बाथरूम वगैरह हुआ करता था, यहाँ तक था। ये पूरा हॉल था ऊपर, मतलब डबल स्टोरी था, दो माले का घर था पुरानी बनावट का। आपको कुछ दिखाता हूँ। I'm dreaming.
सो हे गाइस, अभी हम हमारे खेत पर जा रहे हैं। हमारे गांव से हमारा खेत लगभग आधा किलोमीटर के पास ही होगा, तो चलते हैं। सो हे गाइस, ये हमारा खेत है। ये जो पीछे नीम देख रहे हो, ये मेरे पापा ने बचपन में लगाया था। देखिए, ये पूरा हमारा खेत है। पता नहीं आपको लोग दिख रहे होंगे या नहीं, वो लास्ट में एकदम लोग खड़े हैं ठीक मेरी उंगली के नीचे। कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। हाँ, अब लगता है गांव पर आए। हम चलते हैं, हमारे खेत के बाजू में एक तालाब है, वहां पर चलते हैं, देखते हैं। तो अभी हम हमारे खेत के बाजू में एक तालाब है, वहां पर आइए। चलिए, ये देखने में ज्यादा गहरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत गहरा है। सो हे गाइस, ये हमारा खेत जो है वो रोड के उस पार है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और रोड के इस पार इसे लखमा जी वॉक करके एक प्लेस है। मतलब मैं मेरे बचपन से आ रहा हूँ यहाँ। ये इमली का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। गाइज, अभी शाम हो रही है, अभी शाम के 6:30 बजे है। दिन कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। अभी बाहर का वेदर इतना मस्त है कि क्या बताओ। आपको दिखा दो बाहर का वेदर, देखिए। वो हमारा घर है, ये मंदिर है, मतलब बुद्ध विहार है। सो गाइस, अभी हम हमारे घर के सामने वाले खेत में है। मतलब ये जो आप पीछे का खेत देख रहे, ये हमारा खेत है। बेसिकली ये घर के सामने जो खेत होता है उसे आखर बोलते हैं। ये हमारा आखर है। जो मराठी बैकग्राउंड से लोग होंगे उनको आखर का मतलब पता होगा। हे गाइस, सॉरी, रास्ते में मैं ड्राइविंग कर रहा था इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो खैर, मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।